हेलो दोस्तों, आप सब लोगों ने ये कभी ना कभी सोचा होगा कि इंडिया में जितनी भी बाइक्स आती हैं उनमें पेट्रोल इंजन आता है और डीजल इंजन क्यों नहीं आता। वहीं डीजल काफी सस्ता भी है एज कम्पेयर टू पेट्रोल। तो दोस्तों आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है वाइब्रेशन। दोस्तों डीजल इंजन कुछ ज्यादा वाइब्रेट करता है एज कम्पेयर टू पेट्रोल इंजन कम वाइब्रेट करता है। और एक ज्यादा वाइब्रेशन एक बाइक के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, वो उसका बैलेंस बिगाड़ सकता है। नंबर टू आता है साइज। दोस्तों आप सभी ने कभी ना कभी ये देखा ही होगा कि हमारी जो पुरानी ओल्ड बुलेट आती थी जिनमें डीजल इंजन आता था उसका साइज कितना ज्यादा बड़ा होता था। दोस्तों ये साइज इतना बड़ा होता है और दिखने में भी अच्छा नहीं लगता, वहीं एज कम्पेयर टू पेट्रोल इंजन काफी दिखने में भी अच्छा होता है और छोटा भी होता है। तो इस वजह से इसको बाइक में यूज किया जाता है पेट्रोल इंजन को। नंबर थ्री पॉइंट आता है लाउड वॉइस। दोस्तों आप सबने ये देखा ही होगा कि इंजन जो आते हैं ये छोटे वाले डीजल के, ये कुछ ज्यादा ही लाउड वॉइस करते हैं एज कम्पेयर टू पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन काफी कम आवाज करते हैं एज कम्पेयर टू डीजल इंजन, इसलिए इनको बाइक्स में लगाया जाता है। और आज के टाइम में इंडिया में हर घर में आपको बाइक देखने को मिलेगी, कार देखने को नहीं मिलेगी। तो ये इतनी ज्यादा वॉइस पैदा करेंगे तो ये एक नॉइस पोल्यूशन भी कर देंगे। नंबर फोर्थ आता है पोल्यूशन। दोस्तों आप सबको ये पता ही होगा कि डीजल इंजन कुछ ज्यादा पोल्यूशन करता है, पेट्रोल इंजन थोड़ी कम पोल्यूशन करता है। तो इस कंपेयर में इनको बाइक में यूज किया जाता है पेट्रोल इंजन को। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो एक लाइक करें और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।